जीव जंतु हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। इनके होने से हमारा पर्यावरण संतुलित और साफ रहता है। लाइफ सर्कल को सही ढंग से चलाने के लिए जानवरों का होना बेहद जरूरी है। कई लोग जानवरों को घर पर पालतू रखना बेहद पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलग अलग जीवों को देखने का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे अद्भुत जीवों से अनजान हैं, जो असल में प्रकृति की देन हैं। इन जीवों में बेहतरीन खूबी होने के साथ साथ अद्भुत शारीरिक बनावट और रंग भी है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 10 जीवों के बारे में, जो असल में इस दुनिया में मौजूद हैं। ज़ेब्रा डाइकर, ये हिरण की एक अद्भुत प्रजाति है जो मूल रूप से लाइबेरिया में पाई जाती है। इसके शरीर पर क्रॉस बैंड बने होते हैं, जो इसे हिरण की दूसरी प्रजातियों से बिल्कुल अलग करते हैं। ये वर्षावनों और जंगली इलाकों में देखे जाते हैं। ज़ेब्रा डाइकर की औसत लंबाई 90 सेंटीमीटर और वजन 20 किलो तक हो सकता है। आमतौर पर इस प्रजाति की मादा लंबाई में नर से बड़ी होती है। इनका शारीरिक रंग भूरा और सुनहरा होता है, जिस पर काले रंग की धारियां होती हैं। पैर काले और भूरे रंग के होते हैं, जबकि मुंह लाल और नाक ग्रे कलर की होती है। पहली नजर में इस जीव को पहचान पाना बेहद मुश्किल है। जिरेनुक, जिरेनुक को दूसरी भाषा में जिराफ गजैल के नाम से जाना जाता है, जो अपनी लंबी गर्दन के लिए मशहूर है। लेकिन ये कोई जिराफ नहीं, बल्कि हिरण की एक प्रजाति है, जो अफ्रीका के सूखे और गर्म इलाकों में पाई जाती है। जिरेनुक को पहली बार साल 1878 में खोजा गया था। इसकी विशेषता है लंबी पतली गर्दन और शारीरिक अंग। ये कटीली झाड़ियों और पेड़ पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं। जिरेनुक का सिर शरीर के मुकाबले काफी छोटा होता है, जबकि कान और आंखें बड़ी होती हैं। इनका शरीर भूरे रंग का होता है और पैर सामान्य हिरण के मुकाबले ज्यादा लंबे होते हैं। इस प्रजाति के नर के पास लंबे सींग और मजबूत मसल्स होती हैं, जबकि मादा बिना सींग वाली होती है। इनकी पूंछ बेहद छोटी और काले रंग की होती है। अमेजोनियन रॉयल फ्लाईकैचर, अमेजोनियन रॉयल फ्लाईकैचर मुख्य रूप से उत्तरी बोलीविया, पूर्वी पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और ब्राजील में पाई जाती है। ये ज्यादातर अमेजोन बेसिन के वर्षा वनों में रहना पसंद करती है। इस चिड़िया के सिर पर लाल, नारंगी, पीले या नीले रंग की खिली हुई कलगी होती है, जो किसी शाही परिवार के ताज की तरह लगती है। रॉयल फ्लाईकैचर की लंबाई 15 से 17.5 सेंटीमीटर तक होती है, जो पेड़ की शाखाओं पर 2 मीटर से बड़े घोंसले का निर्माण करती है। ये पक्षी दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक होता है। मैंडवुल्फ, मैंडवुल्फ आमतौर पर दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला जीव है, जिसकी शारीरिक संरचना काफी हद तक लोमड़ी से मिलती जुलती है। लेकिन ये ना तो लोमड़ी है और ना ही भेड़िया। इस प्रजाति के वुल्फ की लंबाई 90 सेंटीमीटर और वजन 20 से 30 किलो तक हो सकता है। मैंडवुल्फ के शरीर पर ढेर सारे फर होते हैं, पैर लंबे और पतले होते हैं। इस प्रजाति के नर मादा हिरण के साथ प्रजनन करना पसंद करते हैं। इन्हें घास के खुले मैदानों और झाड़ियों में रहना अच्छा लगता है। मैंडवुल्फ खरगोश, पक्षी और मछलियों को अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन इनकी डाइट का 50% से ज्यादा हिस्सा गन्ना और फल होते हैं। रैकून डॉग, रैकून डॉग को तनुकी या न्योगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से पूर्वी एशिया के निवासी हैं। इस प्रजाति के डॉग पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं। रैकून डॉग सर्वाहारी होते हैं, जो कीड़ों, पक्षियों और मछलियों समेत फल, नट्स और जामुन आदि खाकर जिंदा रहते हैं। इस प्रजाति के डॉग 45 से 71 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, जबकि इनकी पूंछ 12 से 18 सेंटीमीटर लंबी होती है। आमतौर पर रैकून डॉग का रंग काला या ब्राउन होता है। इनकी आंखें गहरे काले रंग की होती हैं, जबकि शरीर पर काफी सारे फर होते हैं, जो इन्हें मौसम की मार से बचाने में मदद करते हैं। रैकून डॉग जापान और चाइना के कुछ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। स्नब नोज्ड मंकी, स्नब नोज्ड मंकी प्राचीन समय के बंदरों का एक समूह है,
जो वर्तमान में काफी दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है। ये अद्भुत बंदर एशिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। इनके गोल छोटे से चेहरे पर एक नाक होती है, जिसके कारण इसका नाम स्नब नोज्ड मंकी रखा गया है। सफेद और हल्के ब्राउन कलर के फर वाले इस बंदर का चेहरा नीले रंग का होता है, जो देखने में काफी आकर्षक लगता है। स्नब नोज्ड मंकी की लंबाई 51 से 83 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, जिसमें इसकी पूंछ भी शामिल है। ये बंदर 4000 से ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद जंगलों में निवास करते हैं। सर्दी के मौसम में ये बिल्कुल शांत इलाकों में चले जाते हैं। ये जगहें इंसानों की पहुंच से काफी दूर होती हैं। स्नब नोज्ड मंकी के ग्रुप में नर के मुकाबले मादा की संख्या कम होती है। ये पेड़ों के डंठल, बांस की कलियां, फल और पत्तियां खाकर जिंदा रहते हैं। इनका पेट कई खंडों में विभाजित होता है, जो खाना पचाने में मदद करता है। मार्कर, अब जरा बताइए कि इस जीव के बारे में आपका क्या सोचना है? कहीं आपको ये बारहसिंघा तो नहीं लग रहा? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल ये मार्कर नामक जीव है, जो हिमालय के आसपास पाया जाता है। इसके घुमावदार सींग किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफी हैं। मार्कर जंगली बकरी की एक बड़ी प्रजाति है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाई जाती है। IUCN ने इस प्रजाति का नाम विलुप्त हो रहे जीवों की लिस्ट में शामिल किया है। मार्कर को पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। कहा जाता है कि ये सांप जैसे जहरीले जीव को मारकर उसे खाने की क्षमता रखता है। इसकी लंबाई 65 से 115 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, जबकि वजन 32 से 110 किलो के बीच हो सकता है। ढोल, ढोल एशिया के अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाले कुत्ते की एक प्रजाति है, जिसे एशियाई जंगली कुत्ता, लाल कुत्ता और पहाड़ी वुल्फ के नाम से जाना जाता है। इस प्रजाति के कुत्तों का स्वभाव काफी मिलनसार होता है और इन्हें बड़े समूहों में रहना पसंद है। ढोल प्रजाति के कुत्ते कभी कभी शिकार करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में बंट जाते हैं और साथ मिलकर भोजन जुटाते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते इंसानों से डरते हैं, लेकिन सुअर, भैंस और यहाँ तक कि बाघ पर हमला करने से भी नहीं कतराते और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इनकी एकता ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो बाघ जैसे जीव को मार गिराने में सक्षम होते हैं। सुंडा फ्लाइंग लीमर, ये जीव ना तो हवा में उड़ता है और ना ही इसका लीमर से कोई संबंध है। दरअसल सुंडा फ्लाइंग लीमर कोलुगु की एक प्रजाति है, जिसे मलायन कोलुगु के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ों पर लंबी छलांग लगाने के लिए मशहूर है। सुंडा फ्लाइंग लीमर की लंबाई 33 से 42 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि वजन 0.9 से 1.3 किलो होता है। इस प्रजाति का लीमर रात के समय सक्रिय रहता है और नरम पौधों, नन्ही पत्तियों, फूलों और फलों को खाकर जीवित रहता है। ये एक अच्छा क्लाइंबर है, जो जमीन में रहने के दौरान काफी असहाय हो जाता है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के जंगलों में पाया जाता है। सिल्की, सिल्की नामक ये जीव चिकन यानी मुर्गी की एक नस्ल है। इसका नाम इसके रेशमी और मुलायम फरों की वजह से रखा गया है। सिल्की भले ही मुर्गी की नस्ल हो, लेकिन ये कई मामलों में मुर्गी से अलग है। इसके पैरों में 5 पंजे होते हैं, जबकि मुर्गी के पैरों में सिर्फ 4 पंजे होते हैं। इसकी त्वचा पर काले, सफेद और हल्के भूरे रंग के मुलायम फर होते हैं। सिल्की को कई बार प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए लाया जाता है। रेशमी फरों के नीचे इसकी त्वचा का रंग काला या नीला होता है। अमेरिकी और यूरोपीय डिशेस में सिल्की का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चीन, जापान, कंबोडिया, वियतनाम और कोरिया में सिल्की का मांस एक स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ अद्भुत और विशेष प्रजातियाँ, जिनके बारे में शायद ही आप पहले जानते होंगे। दरअसल इन जीवों की कम आबादी की वजह से लोग इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये जीव भी एनिमल किंगडम के उन सभी जीवों की तरह खास हैं, जो हमारे पर्यावरण और लाइफ सर्कल को चलाने के लिए जरूरी हैं। इनमें से आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।